हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप एक से ज़्यादा टेबल जब आपके पास डेटाबेस की हो तो जब आपको उनमें वहाँ पे डेटा को रिट्राइव करना होता है तो आप उसको कैसे रिट्राइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल क्वेरी। सो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इन रिलेशनल डेटाबेस वर्ल्ड, जहाँ पे हमारे पास रिलेटेड डेटाबेस होता है जिसको हम रिलेशनल डेटाबेस भी बोलते हैं, वो टाइम पे हमारा जो एक टेबल होता है और जो हमारी दूसरी टेबल होती है उन दोनों के बीच में एक आईडी के थ्रू हम लोग रिलेशनल बनाते हैं। अभी ये भी हो सकता है कि आपने एक टेबल से दूसरी टेबल को कनेक्ट किया, दूसरी टेबल से आपने तीसरी टेबल को कनेक्ट किया। तो जब भी हमें इस केस में, जब हमारी एक से ज़्यादा टेबल होती हैं, हमें डेटा रिट्राइव करना होता है तो उसके लिए हम लोग ज्वाइन का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे मैं बेसिकली आपको ज्वाइन के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे क्विकली बस खाली ये बताने वाला हूँ कि कैसे एक से ज़्यादा जब आपके पास टेबल होती हैं तो आपको उनका डेटा रिट्राइव करना होता है तो आप कैसे रिट्राइव करते हैं। सो क्विकली मैं आपको यहाँ पे टेबल्स बता देता हूँ। जो मेरी यहाँ पे तीन टेबल हैं, देखिए एक टेबल है मेरे पास यहाँ पे स्टेट की जिसमें मैंने आईडी और स्टेट डाला हुआ है, एक टेबल है मेरे पास यहाँ पे सिटी की जिसमें मेरे पास आईडी है, स्टेट आईडी है और सिटी है। तो बेसिकली स्टेट आईडी यहाँ पे ये बता रही है कि जो ये सिटी है ये किस स्टेट की है। और इसके साथ ही एक मेरे पास स्टूडेंट की टेबल है जिसमें मैंने ऑलरेडी डेटा डाला हुआ है नेम, और ये नेम के करस्पॉन्डेंस मैंने सिटी डाली हुई है। तो देखिए यहाँ पे हम दो काम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर हमें ये नेम के करस्पॉन्डेंस ये सिटी आईडी की जगह पे ये सिटी की वैल्यू निकालनी हो वो हम कैसे करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमें ये नेम, सिटी और स्टेट, अगर हमें ये तीनों चीज़ें निकालनी है तो हम वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम क्विकली एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर एक और इसका इंस्टेंस खोल लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मली जब हमें स्टूडेंट टेबल से डेटा निकालना होता तो हम लोग क्या लिखते हैं, आईडी कॉमा नेम कॉमा सिटी अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट। अगर देखिए मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे सारा डेटा आ गया। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है कि हमें ये करना है कि जो सिटी आईडी है ये सिटी आईडी ना आके यहाँ पे ये सिटी का नेम आए। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे लेफ्ट जॉइन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एलियास सेट करने पड़ेंगे। तो हम बोलेंगे कि स्टूडेंट डॉट डॉट आईडी, मतलब स्टूडेंट की टेबल से आईडी निकालो, स्टूडेंट डॉट नेम, और स्टूडेंट की टेबल से नेम चाहिए। और देखिए सिटी की जो वैल्यू है वो एक्चुअली कहाँ पड़ी है, वो सिटी टेबल में। तो हमने बोला सिटी डॉट सिटी, मतलब हमने बोला कि सिटी की टेबल से ये सिटी निकालनी है और स्टूडेंट की टेबल से आईडी और नेम निकालना है। ये हमने यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद हमने ये बोला फ्रॉम स्टूडेंट टेबल यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे लगाया ज्वाइन। तो बेसिकली अब हमें हमारे स्टूडेंट की टेबल और सिटी की टेबल को आपस में यहाँ पे ज्वाइन का यूज़ करके डेटा रिट्राइव करना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन। अभी जो लेफ्ट ज्वाइन हम लगा रहे हैं वो स्टूडेंट की टेबल का जो ज्वाइन है वो हम यहाँ पे लगा रहे हैं सिटी की टेबल से। तो हमने लिख दिया लेफ्ट ज्वाइन। यहाँ पे अब हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। देखिए ये दो टेबल हैं, अगर आपको दो टेबल से डेटा निकालना है तो कोई तो कंडीशन चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये जो सिटी आईडी है यहाँ पे इसकी वैल्यू इक्वल है आपकी इस सिटी की। तो स्टूडेंट की जो सिटी आईडी है उसकी वैल्यू बराबर है सिटी के आईडी के। तो ये जो आईडी है आपकी ये है आपके यहाँ पे ये टेबल में। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं लेफ्ट ज्वाइन सिटी ऑन सिटी डॉट आई डी, या फिर हम इसको बोल देते हैं स्टूडेंट डॉट आई डी इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट सिटी अंडरस्कोर आई डी इज इक्वल टू सिटी डॉट आई डी। एक बार इसे रन करके देखते हैं। देखिए तो देखिए यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे इसने बताया कि नेम विशाल की सिटी मुंबई है, अमित की सिटी भी मुंबई है, भावित की सिटी पुणे है, नमित की सिटी पुणे है और सुमित की जो सिटी है वो अमृतसर है। अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक चेंज कर देते हैं। देखिए चंडीगढ़ जो है हमारा यहाँ पे ये अभी तक हमने लिया नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, जो स्टूडेंट हैं नमित, सॉरी ये पुणे आ रहा है यहाँ पे, एक बार स्टूडेंट टेबल में चलते हैं। तो ये दो जो आईडी है ये सिटी की ये रिपीट हो रही है। अब दो सिटी आईडी कौन सी थी, ये थी पुणे। तो हम एक काम करते हैं चार डाल देते हैं किसी भी एक स्टूडेंट के में। तो हम यहाँ पे इनको एडिट करके नमित को चार डाल देते हैं। चार जो देखिए हमारी सिटी आईडी है वो किसकी है, वो है हमारी चंडीगढ़ की। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और दोबारा एसक्यूएल में जाऊँ,
और इस क्वेरी को फायर करूं, तो देखिए अभी मेरी जो नमित है यहाँ पे, इनकी सिटी आ गई चंडीगढ़, तो परफेक्ट। तो हमारा देखिए क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास नेम और सिटी आ गया। अब हमारे पास एक चीज़ बचती है यहाँ पे, वो है स्टेट। तो यहाँ पे हम कर देते हैं कॉमा स्टेट डॉट स्टेट, मतलब सिटी की टेबल से सिटी निकालो और स्टेट की टेबल से स्टेट निकालो। इसको मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ। तो देखिए स्टेट डॉट स्टेट हमने क्यों लिखा, क्योंकि अगर आप स्टेट की टेबल में जाएंगे तो ये स्टेट जो हमारा ये कॉलम है इसमें सारा का सारा डेटा पड़ा हुआ है। अभी सेम चीज़ हमें करनी पड़ेगी जो हमने ये लेफ्ट ज्वाइन लगाया था स्टूडेंट के साथ, इस बार हम ये जो लेफ्ट ज्वाइन है ये लगा देंगे स्टेट के साथ। इस बार हम बोल देंगे जो स्टूडेंट स्टूडेंट नहीं, देखिए अभी जो आपका स्टूडेंट टेबल था यहाँ पे आपकी सिटी आईडी थी, अब जो सिटी की टेबल है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टेट आईडी है। तो अभी हमें जो रिलेशनल रिलेशन बनाना पड़ेगा वो सिटी और स्टेट की टेबल में बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो सिटी की आईडी है ये बराबर होनी चाहिए स्टेट की, सिटी की जो सॉरी स्टेट अंडरस्कोर आईडी है, सिटी की जो स्टेट आईडी है वो बराबर होनी चाहिए स्टेट की आईडी की। एक बार हम इसे रन करें तो देखिए ये रिजल्ट हमारे सामने आ गया। यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो विशाल हैं वो महाराष्ट्र स्टेट से हैं, मुंबई के हैं, अमित जो हैं वो भी महाराष्ट्र के हैं, मुंबई के हैं, भावित जो हैं वो भी महाराष्ट्र के हैं, पुणे के हैं, नमित पंजाब के हैं चंडीगढ़ के, और सुमित जो हैं वो भी हैं आपके पंजाब के अमृतसर के। तो यहाँ पे विशाल और अमित जो हैं ये दोनों के दोनों आ रहे हैं आपके मुंबई से। अगर आप हम डेटा यहाँ पे देखें तो देखिए इन दोनों की सिटी आईडी बराबर है। अगर आपको चेंज करना है तो आप एक काम कर दीजिए, विशाल की जो सिटी है वो चेंज कर दीजिए 6। अभी अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो देखिए अभी जो विशाल है इनकी सिटी जो हो गई वो चेंज हो गई। तो देखिए यहाँ पे ये हमें फायदा हो जा रहा है कि हमें बस खाली स्टूडेंट की टेबल में उसकी सिटी चेंज कर देनी है। जैसे ही आप सिटी चेंज करेंगे तो उसकी जो स्टेट है वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, और स्टेट की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए आपको पहले सिटी की टेबल में जाना पड़ेगा और सिटी की टेबल से एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आप एक काम और भी कर सकते थे कि आप जो स्टूडेंट टेबल है वहाँ पे स्टेट आईडी भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ये करेंगे तो आप जो हमारी थर्ड नॉर्मलाइजेशन होता है, जो एक नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म है, आप उसका जो रूल है एक ब्रेक करते हैं। इसलिए हमने क्या किया है यहाँ पे सिटी की खाली एक टेबल डाली है और सिटी और जो स्टेट के बीच का रिलेशन है उसको हम लोगों ने हमारा सिटी टेबल के थ्रू मैनेज किया हुआ है। सो फ्रेंड्स इस तरीके से अगर आपको एक से ज़्यादा टेबल के थ्रू डेटा निकालना है, दो या तीन टेबल के बीच में डेटा निकालना है, तो आप इस तरीके से इसको डेटा को निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स हमारे आज के वीडियो के बारे में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, या आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज़ कमेंट में जाइए और अपना कमेंट वहाँ पर आप डाल सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपका जो भी इश्यू है उसको रिजॉल्व कर सकूँ। थैंक यू।